देख सकते हैं आप ए बी का कितना परसेंट है और कमी का फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड 100। टाइप एक से तरह टाइप आता है। नमस्कार दोस्तों, वापस से आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो पे। तो जैसा कि कल मैथ का क्लास कंप्लीट नहीं हो पाया था, जो वीडियो शायद अपलोड नहीं हो पाया था, तो आइए स्टार्टिंग करते हैं इस क्लास की मैथ से। चुके हम कि मैथ में दोनों क्लास अपलोड हो चुका है, कल का और आज का। तो आज कोशिश यही रहेगी कि दोनों क्लास को कवर किया जाए, अगर टाइम बचता है तो इसके बाद रिविजन किया जाएगा। तो वीडियो में जरूर बने रहे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। चलिए वीडियो को शुरू करते। तो दोस्तों, मैथ का क्लास हो चुका है खत्म। जो क्लास कल कंटिन्यू नहीं कर पाए थे वो क्लास को आज कंटिन्यू किए। तो जो दूसरा डेमो क्लास था वो आज हो चुका है खत्म। तो क्या कुछ पढ़ाया गया हम बताते हैं। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ाया गया है कि वृद्धि और कमी का क्वेश्चन। जैसे कि अगर किसी संख्या में वृद्धि हो तो वृद्धि किससे होगा, 100 से होगा, और किसी से कमी होगा, कमी भी किससे होगा, 100 से होगा। अगर वृद्धि होता है, मान ली कोई बोलता है 10% का वृद्धि हुआ तो 110 हो गया, 10% कमी हो गया तो 90 हो गया। उसी टाइप का एक वो टॉप टाइप था, उसके बाद एक पढ़ाया गया टाइप की का अगर किसी संख्या के साथ का लगे परसेंटेज में तो हमेशा वो नीचे होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का, तो जिसका साथ का लगेगा हमेशा नीचे रहेगा इनटू 100। उसी तरह एक क्वेश्चन यह बताया गया एग्जांपल में, तो 20 80 का कितना परसेंट है, तो उसी तरह 80 के साथ का लगा तो हमेशा 80 नीचे रहेगा, तो 20 ऊपर नीचे 80 इनटू 100। तो इक्का टूट के दोस्तों आया 25। इसी तरह ये हो गया काका टाइप, एक इसी तरह टाइप आता है। दोस्तों एक टॉपिक बताया गया था कि सी से संबंध वाला। तो जैसे कि एक क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, ए बी से कितना परसेंट अधिक है। इसमें दो टाइप का बताया गया था दोस्तों, अधिक कमी। तो एक यहाँ देख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए आप, टॉपिक है 80-100 से कितना परसेंट कम है। तो आप देख सकते हैं 80 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 20 किससे कम है, 100 से। तो नीचे ऊपर 20 नीचे 100 लिख के कितना परसेंटेज 100 हो गया, तो 100 कट गया, 20 हो गया। उसी तरह अधिक वाला क्वेश्चन है कि 120 80 से कितना परसेंट अधिक है। तो 120 80 से कितना परसेंट अधिक है दोस्तों, 40 का है, तो 40 ऊपर और से संबंध है 80 का, तो 80 नीचे इंटू 100 परसेंटेज का साइन। तो ये कट गया टोटल, ऐसे से कट के टोटल 50 आ गया। तो दोस्तों पहला क्लास में जो था वृद्धि और कमी का क्वेश्चन ये था। अब ज्वाइन करते हैं दूसरा क्लास जो कि आज जो हुआ है, तो उसको भी देखते हैं परसेंटेज का ही है, उस पर क्या कुछ बताता है, फिर आज का क्लास खत्म हो जाएगा। और लास्ट आज डेमो क्लास आज ही लास्ट है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो तीसरा क्लास भी खत्म ही हो चुका है। तो इसमें जो पॉइंट आज बताया गया है, इसमें एक टाइप बताया गया है क्रमिक वृद्धि और क्रमिक कमी। किस टाइप का क्वेश्चन बताया गया, जिसका फॉर्मूला भी बताया गया। आप देख सकते हैं यहाँ कि a प्लस बी, अगर वृद्धि होगा तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड 100, और कमी का फॉर्मूला a प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड 100। ये क्रमिक वृद्धि और कमी का फॉर्मूला रहा। इसका कुछ क्वेश्चन कराया गया है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, मिक्सअप क्वेश्चन है, लगभग बहुत लंबा सारा क्वेश्चन है। तो यही था, दो क्लास आज कवर किए हैं, डेमो 2 डेमो 3। तो आज का क्लास यहीं पर करते हैं खत्म। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल नए सब्सक्राइब करना ना भूले।